मरी शो में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं दैन कुंड, जो कि डलहौजी से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हम क्योंकि खजियार में रुके हुए थे तो हमें खजियार से करीब 12-14 किलोमीटर 15 किलोमीटर ये है, और करीब 45 मिनट की ड्राइव है खजियार से। उसी तरह से अगर आप डलहौजी से आएंगे तो भी करीब आधा घंटा लग ही जाता है गाड़ी में। तो आइए आज देखते हैं दैन कुंड, जो कि एक छोटा सा ट्रैक है डलहौजी के पास, या कह सकते हैं डलहौजी और खजियार के बीच में। देखिए, ट्रैक्स की एक ख़ास बात होती है कि हम ट्रैकिंग तो करते ही हैं, खूबसूरत नज़ारे रास्ते में दिखते हैं, चाहे वो जंगल में से ट्रैक जा रहा हो। और जब हम ट्रैक के एंड में होते हैं, यानी हम लोग जब ट्रैक कर लेते हैं, तो हम किसी पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं और वहाँ से व्यूज़ इतने सुंदर आते हैं, और उस चोटी तक पहुँचने का जो सफ़र होता है, उस सफ़र के दौरान आप इतनी चीज़ें देखते हैं कि उसी का मज़ा रहता है ट्रैक में। खजियार से जो हमने सफ़र शुरू किया था पहुँचने के लिए दैन कुंड, उसके बीच में घने देवदार के जंगल है, जहाँ पे आप तमाम इस तरह के भेड़ बकरियाँ और इस तरह के जानवर आप देख सकते हैं, आराम से चर रहे हैं, और बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही सुहाना मौसम भी है उस वजह से। रोड सिंगल ही है हालांकि, लेकिन ठीक बनी हुई है, अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है, और कहीं इस तरह के गड्ढे नहीं हैं, और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए अगर कोई गाड़ी अगर आ भी जाती है तो आप इजीली किसी मोड़ पे थोड़ा पास दे सकते हैं। तो 45 मिनट की ड्राइव के बाद खजियार से हम लोग यहाँ पहुँच गए दैन कुंड के एंट्री पॉइंट पे, और ये एक गेट इस तरह का मिलेगा जो कि एयरफोर्स स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। तो आप वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे साइड में और यहाँ से अपना ट्रैक शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, मॉडरेट ट्रैक है, तो कहीं पे स्टेयर्स हैं, कहीं पे थोड़ा स्लोप है, कहीं पे थोड़ी सी चढ़ाई है, और बहुत ही इंजॉयबल और बहुत एक्साइटिंग ट्रैक है ये। यहाँ लोकल्स भी काफ़ी आते हैं मंदिर में अपनी रिलीजियस सेरेमनीज़ के लिए, क्योंकि जो लोकल विलेजेस हैं वो माता को मानते हैं और माता के मंदिर में अपने हर तरह की सेरेमनीज़ के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे
शादी के लिए। हिमाचल में आप कहीं भी जाएंगे आपको लोग बहुत ही फ्रेंडली मिलेंगे, बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, बच्चे भी ये ट्रैक बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक लेवल का उनको एडवेंचर फील होता है जब वो इस तरह का ट्रैक करते हैं। सिर्फ आधा घंटा लगाया मैं यहाँ पहुँचने में, है ना? हाँ। चल। ओनली 200 मीटर्स लेफ्ट। ओके। The Himalayas. Wow, there are many mountains and a plain. Okay, only 200 meters left. Saw the board there. Few steps, be careful, don't trip. तो ये हम पहुंच गए हैं टॉप पे, जहाँ पे ये टेंपल आ गया है, माता का मंदिर आ गया है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अच्छे व्यूज़ लेंगे, और बहुत अच्छी विंड है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है। Thank you.
45 मिनट्स ड्राइव टुवर्ड्स डायकुंड और डायकुंड से हमने कार पार्क करी है और इट टुक अराउंड हाफ एन आवर ट्रैकिंग टू रीच दिस पॉइंट और यहाँ पहुँच के ये मंदिर है और बहुत अच्छे व्यूज हैं। आओ देखते आधा पौना घंटा हम लोग यहाँ स्पेंड करके और कुछ स्नैक्स लेके हम लोग वापस नीचे की ओर उतरना शुरू हमने किया क्योंकि हमें वापस खजियार जाना था और नीचे उतरते वक्त ऑलमोस्ट शाम हो रही थी और सनसेट का टाइम नज़दीक आ रहा था। सनसेट के टाइम व्यूज़ कुछ और खूबसूरत हो चुके थे और बहुत अच्छी गोल्डन लाइट पड़ रही थी, स्नो पीक्स दिख रही थी और बहुत अच्छे मीडोज़ दिख रहे थे और बहुत अच्छी वैलीज़ दिख रही थी, अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह के प्लांट्स वहाँ देखने को मिल रहे थे जो कि नॉर्मली हमें नहीं दिखते। ये दिख रहा था सामने हेलीपैड जो कि एयरफोर्स स्टेशन का पार्ट था, यहाँ से विजिबल था। तो ये था दैनकुंड का वन डे ट्रैक और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।